YouTube चैनल तो सबने बनाया हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस पे कामयाबी किस तरह से हासिल करनी है। आज की वीडियो से आज हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आप किस तरह से एक चैनल बना सकते हो और उसको किस तरह से ग्रोथ करके उसे अर्निंग भी कर सकते हो। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप में, सबसे पहले आज हम ये करेंगे कि आपको यूट्यूब चैनल के लिए सबसे पहले तो एक गूगल अकाउंट चाहिए होता है। तो जिस किसी को गूगल अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आता, तो आप सबसे पहले मैं आपको गूगल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, उसके बाद हम चैनल क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी भाई को पता है कि चैनल क्रिएट किस तरह से करते हैं, तो वो बेशक ये वीडियो स्किप कर दे, वो जा सकता है, और जिसको नहीं पता वो अभी से देख ले। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके जैसे ही आप अपने ऊपर जो प्रोफाइल है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फेसबुक सॉरी गूगल आईडी शो हो रही है, उसके बाद ये छोटा सा तीर का निशान आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे मैं ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। या आप अपने प्ले स्टोर के अलावा यूट्यूब से भी जा सकते हैं, किसी भी जहाँ पे आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है वहाँ से आप असेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है जी, मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी जहाँ पे हम एक नया अकाउंट गूगल का क्रिएट करने वाले हैं, जिस पे हम अपना एक नया चैनल क्रिएट करेंगे। उसके अलावा अभी आप यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आप देखें तो क्रिएट अकाउंट आ रहा है, क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम दे देना है, और जो है श्योर नेम जिसका जो कि लास्ट नेम भी कह सकते हैं, वो आपने दे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के साथ ही आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा हमेशा अपनी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट किया करें, क्योंकि इसमें आपको सबसे जो बेहतर होता है, आपके लिए आसानी होती है क्या चीज़ की, कि आपको बाद में अगर आपका अकाउंट वेरीफिकेशन में चला जाता है तो फिर आपको मसले मसाइल नहीं आते। तो मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट में। डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद आपने जेंडर रखना है, जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल, वो रखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना एक यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद आपका @gmail.com आपका जो है अकाउंट वो क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक रैंडम ईमेल यूज़र नेम एक दे देता हूँ ताकि वो क्रिएट हो जाए। तो अभी देखते हैं कि फिर वो क्या ऑप्शन, ये कर दिया, अभी चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे हम एक पासवर्ड देंगे, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि हमारी आईडी का पासवर्ड होगा, तो इसको आपने ज़रूर याद भी रखना है, और कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं लिख लें। तो अभी मैं जल्दी से पासवर्ड देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पासवर्ड मैंने दे दिया, अभी जस्ट हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के साथ अभी ये क्या करें कि ऐड फ़ोन नंबर, यहाँ पर भी अभी अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर अभी ऑप्शन आ जाएगा मोर ऑप्शन पर, अगर आप क्लिक करें तो अभी क्या कहते हैं कि नो डोंट ऐड माई फ़ोन नंबर, तो येस आई एम इन ऐड माई फ़ोन नंबर फॉर यूज़ अक्रॉस सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ नंबर अपना, ऐड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर देने के लिए आपने क्या करना है, ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली, येस आई एम इन, यहाँ पे आप येस आई एम इन पे करेंगे, उसके बाद डन करेंगे। तो सॉरी अभी ये यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट ही अकाउंट बन गया, तो चले अभी अकाउंट बना लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट में नंबर ऐड करना भी बता देता हूँ अभी आपने किस तरह से करना है नंबर ऐड करना। तो यहाँ पे भी आप आ गए हैं, आई एग्री भी कर लें। अभी लोडिंग ले रहा है आई एग्री के बाद, तभी गूगल सर्विसेज में आ गया है, हमारा अकाउंट जो है वो बन के आ चुका है। तभी जो हमारा अकाउंट हमने बनाया है वो किधर है, ये अकाउंट हमारा पड़ा है। उसके बाद अभी हम आ गए इस पे, हम अभी जाएंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे हम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम अपना नंबर और सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी करेंगे जो सबसे ज़रूरी होता है। पर्सनल इन्फो में आएंगे, यहाँ पर भी आप आ जाए नीचे, ये हमारी ईमेल शो कर रहा है, यहाँ पे हम भी एक अपना फ़ोन नंबर देंगे जो हमारा पक्का ऑन रहता है, हम परमानेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इस नंबर से हमने सारे अभी आगे से इसके अकाउंट की सिक्योरिटी करनी है, सेफ्टी करनी है, और जो भी हम रिकवरी लगाएंगे, रिकवरी कोड वगैरह सारे इसी पे आएंगे, तो इसका हमने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी लोडिंग ले रहा है, एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा सा वीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी जैसे ही आता है मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अभी ये कह रहा है कि ऐड नो फ़ोन नंबर ऊपर की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी थोड़ा सा लोडिंग और ले रहा है, क्योंकि नेट इंटरनेट सर्विस बहुत स्लो है मेरे पास, गुजारा करें मेरे साथ ही। आपको बोर तो नहीं होने देगा, क्योंकि मैं बोलता ही रहता हूँ, मेरी आदत है। तभी ऐड ना हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि यूट्यूब पे काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगी तो आप कामयाब होंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो फिर मैं तो कहता हूँ कभी से आप छोड़ ही दो, नहीं होगा आपसे। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपकी डेली वीडियो आनी चाहिए, कोशिश करें डेली ना हो तो एक दिन छोड़ के हो, लेकिन आपकी परमानेंट होनी चाहिए। फिर पासवर्ड मुझसे दोबारा मांग रहे थे, मैं जल्दी से पासवर्ड दे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पासवर्ड हो गया, अभी मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा।
नेक्स्ट हो गया। तो अभी जब पासवर्ड मैंने दे दिया, अभी नेक्स्ट मेरे सामने सारे डिटेल्स ये शो करेगा कि कहाँ पे मैंने क्या चीज़ देनी है। सबसे पहले तो फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा, जब क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर पे क्लिक किया था। अभी हम फ़ोन नंबर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है फिर हम करते हैं ऐड नो पे, फिर आ जाते हैं। बैक आ गया शायद, ये अभी आ गया। यहाँ पर हम अपना नंबर देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपने सिफर का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर हमने दे दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, गेट कोड करेंगे, तभी देखते हैं कि क्या करता है। सिफर के बगैर देखो कोड आता है या नहीं आता। अभी हम वेट करेंगे, कोड आ गया भाई, कोड आ गया, कोड आ गया। मेरा इतनी खुशी मुझे पैदा होने पे नहीं हुई जितनी अभी कोड मिलने पे, क्योंकि बहुत वेट किया मैंने। 357738 आपके सामने कोड है। वेरीफाई, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। अभी क्या हो गया, फ़ोन नंबर एडिट गुड हो गया, फ़ोन नंबर यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। अभी हम एक स्टेप बैक जाएंगे, उसके बाद अभी आप सारे डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेंगे, कौन सी हमारी डिटेल्स अगर कोई सेट करने वाली है तो हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डाटा प्राइवेसी को छोड़ दें, सिक्योरिटी में आ जाएंगे। सिक्योरिटी में आने के बाद ही अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अभी क्या करना है। यहाँ पे आने के बाद रिकवरी फ़ोन जो हमारा ऐड हो गया, अभी टू स्टेप वेरीफिकेशन सबसे पहले तो हमने इनेबल कर लेनी है। इसके लिए अभी हम क्लिक कर दिया मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। अभी नेक्स्ट अभी दिखाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी यहाँ ये गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। मे बी अभी आपके पास थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक हो जाए, क्योंकि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन में थोड़ा सा होता है इशू। तो आप मेरे अल्फाज सुनते जाएँ और आप देखते जाएँ कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा है, गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक किया है। अभी नेक्स्ट आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बहुत स्लो है यार, मैं क्या करूँ, मजबूरी है, गुजारा करें, मेरे साथ ही चलना है आपने। अभी यहाँ पे अभी पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैं दूंगा अपना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के साथ ही अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे हमें पहुँचाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये इसने कहाँ पे जाके छोड़ा है। हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, ये वही वाला सीन हो जाएगा। अभी लगता है अभी लोडिंग कम्प्लीट हो गई। अच्छा यहाँ पर हम आ गए कि ये अभी कह रहे हैं कि यूज़ योर फ़ोन एज़ योर सेकेंड स्टेप टू साइन इन। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताते चलूं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, अभी पासवर्ड सेव कर लूं। टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है कि आप जब कहीं पे भी अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, एक तो आप अपना पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद आपको एक और कोड दिया जाता है, आपके मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल, मतलब जो भी आप मेथड लगाते हैं उस पर आपको एक कोड दिया जाता है। जब आप इंटर करते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट में साइन इन हो पाते हैं। तो ये अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होते हैं सबसे पहले। तो अभी ये नंबर कह रहा है कि किस नंबर पर आपने करना है, तो अभी मैं यहाँ पे वही वाला नंबर जो भी मैंने दिया था उस पर मैंने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया। अभी दोबारा ये मुझे कोड भेजेंगे, कोड अभी मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो फिर हो जाएगा। अभी कोड मेरे पास आ गया है तो अभी मैं कोड इंटर कर देता हूँ 756। तो कोड मैंने लगा दिया, अभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तभी ये देखें टू टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन दे रहे कि आप टर्न ऑन करना चाहते हैं, तो अभी टर्न ऑन का ऑप्शन आ गया है। मैंने अभी टर्न ऑन पे क्लिक कर दिया है, तो अभी जो है हमारा ये अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमारा अकाउंट जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो चुका है, टू स्टेप वेरिफिकेशन इस पर इनेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम काम था हमारा हो गया क्लोज। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जाना है यहाँ से बैक, सब कुछ बैक कर दो, सब कुछ बैक कर दो। यहाँ से हमने जाना है सीधा यूट्यूब में, यूट्यूब में आ जाएंगे, या आप यहाँ से भी आ सकते हैं, आप गूगल से भी जा सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे। अभी आपने यहाँ पे वो वाली ईमेल सेलेक्ट करनी है जिस पे अभी आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। अभी जो मैंने ईमेल बनाई थी वही मैं आपके सामने सेलेक्ट करूँगा, बाकी ईमेल मैंने आपके सामने हाइड, बाकी ईमेल तो मैंने खैर सारी आपसे हाइड कर लेनी है भाई, मैंने बचाने अपने अकाउंट सिक्योर रखने। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मतलब जो भी ईमेल आप ही आपने बनाई है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो YouTube अकाउंट है, YouTube का जो एप्लीकेशन है उसी अकाउंट के साथ आपका जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके साथ अभी आपने करना क्या है, अभी आप आ जाएंगे ऊपर प्रोफाइल पे अपनी क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर देखें तो योर चैनल है, योर चैनल पे क्लिक करेंगे। योर चैनल के साथ ही अभी कह रहे हैं कि अभी सबसे पहले ऊपर आपके प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको प्रोफाइल लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे आके आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे है नेम, नेम में आप कोई सा भी अपना नाम रख सकते हैं चैनल का, मैं अभी यही नाम रहने देता हूँ अपना अरबाज खानी। उसके बाद हैंडलर, हैंडलर होता है एक्चुअली आपके चैनल की पहचान होती है, जिससे आपका चैनल YouTube.com के बाद स्लैश के बाद सर्च में आता है। इतना करने के बाद आपने जस्ट क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद इधर ही आपका चैनल बन जाएगा। चैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अभी दिस चैनल डज नॉट एग्जिस्ट। तो भी क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी मैंने अभी अभी बनाया इस पर।
तभी आप इसमें दोबारा करूँ यूअर चैनल करूँ तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शो हो गया मेरे पास चैनल। तो इसमें जो मजीद सेटिंग है चैनल की ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मेरा वेट कीजिए, इंशाल्लाह अगले दिन ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, ज़्यादा वेट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।